असलकम एवरी वन आई एम हेयर विद एन अदर वीडियो ऑफ माइन मेरे अंदर एक डिज़ाइनर बसता है और ये डिज़ाइनिंग का शौक़ मुझे बचपन से है सुना हेयर विद एन अदर वीडियो ऑफ़ माइन जिसमें मैं अपने आप को डिज़ाइनिंग स्किल्स बताने वाली हूँ कि मैंने एक अपने ड्रेस को किस तरह से डिज़ाइन किया ये जो दुबट्टा है और ये जो ड्रेस है मैंने बोराक ब्रांड से पिक किया था दिस इज़ वन ऑफ़ माय फेवरेट आर्टिकल ऑफ़ दैम फिर मैंने इसको पैक किया और मैंने इसको इस तरह से डिज़ाइन किया लेट मी शो यू मैंने इस पूरे नेट के दुबट्टे के ऊपर ये थ्री का बंच बनवा के पर्ल्स का मैंने लगवाया इसकी लंबी वाली साइड्स पे फिर मैंने इस दुबट्टे के लिए बहुत अच्छे वाले टसल्स पक किए और बहुत थोड़े से गैप के साथ मैंने इन टसल्स को लगवाया और ये टसल्स बहुत अच्छे वाले थे इनका थ्रेड बिल्कुल नहीं निकलता क्योंकि इस ड्रेस के साथ यही जाने वाले थे नेट का दुबट्टा था ऑल ओवर एम्ब्रॉयड था इसके बाद हम बात करते हैं इसकी शर्ट की शर्ट के लिए मैंने थ्री टाइप ऑफ पर्ल्ड लिए थे वन ड्रॉप शेप में वन स्मॉल राउंड शेप में एंड वन बिग राउंड शेप में ये मार्केट में आपको वाइट में अवेलेबल होते हैं सो मैंने सबसे पहले इनको रेड कलर में ब्लड रेड कलर देके इनको डाई करवाया मैंने उसके बाद डाई करवाने के बाद आप उसकी डिटेलिंग्स देखें कि डिटेलिंग्स पर मैंने इसको ओपन शर्ट डिज़ाइन दिया है उसके बाद मैंने ड्रॉप नीचे यूज़ किया उसके ओपन पे ये देखें सारा मैंने उसके ड्रॉप जो है ना उसके ओपन पे यूज़ किए और उसके फ्रंट पे यूज़ किया है इन द फॉर्म ऑफ टस्टल्स जो ऊपर वाला सारा पार्ट है वो मैंने कवर किया है उसके साथ राउंड पॉइल्स के साथ ये रहा ट्राउज़र ट्राउज़र को मैंने आगे से शॉर्ट और पीछे से लॉन्ग रखवाया था अब जो शॉर्ट वाला पार्ट था उसमें मैंने रेड कलर के राउंड वाले स्मॉल और लास्ट में ड्रॉप इस्तेमाल करवाया है और उसके इस तरह से लंबे टसल्स बनवाए हैं ताकि जब आप ट्राउज़र को वेयर करें तो उसकी लुक और फिनिशिंग बहुत अच्छी तरह आए जस्ट लुक एट द पिक्चर और ये उसकी फाइनल पिक्चर है जो कि जो आर्टिकल मैंने सेलेक्ट किया था